तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग तेरह जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस जिसकी टाइमिंग है साढ़े बारह से ढाई बजे तक ठीक है आज के जो प्रश्न है सेकेंड शिफ्ट के वो हमें भेजे हैं राजीव तोमर और विशाखा शर्मा जी हैं आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप भी अपने प्रश्नों को सेवन जीरो फाइव टू फाइव फोर सेवन डबल ज़ीरो थ्री इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही क्योंकि एग्ज़ाम होने के जस्ट दो घंटे के बाद में हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है इसलिए आपको एक घंटे के अंदर अंदर अपने प्रश्नों को सेंड कर देना है चलिए ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि आज के टॉप फाइव स्कोर क्या रहे हैं साथ ही साथ में वो फ्री स्टडी मटेरियल वाला टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले है, तो हैं 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 ठीक है तो चलिए शुरुआत करते आइए देखते आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है हमने आपको पहले भी कहा था कि नागा जी का मेला जरूर पूछा जाएगा आगे किसी ना किसी शिफ्ट में आज पूछा गया है कि नागा जी का मेला कहां पर लगता है सही आंसर है पोरसा यानी कि मुरैना जिले के पोरसा नामक स्थान पर नागा जी का मेला लगता है अब इसकी टाइमिंग क्या है कब से कब तक लगता है आइए देख लेते हैं तो नवंबर दिसंबर में इस मेले का आयोजन नागाजी संत की याद में किया जाता है जो अकबर के काल में रहा करते थे ठीक है ना यह लगभग एक महीने के लिए मुरैना जिले की पोरसा नामक गांव में आयोजित किया जाता है पोरसा में एक तालाब है नागाजी तालाब के नाम से फेमस है इसी तालाब के चारों तरफ जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक किस मुख्यमंत्री का सेवाकाल रहा है टाइमिंग किसकी रही है तो शिवराज सिंह चौहान की ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले ये जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं मामा शिवराज सिंह चौहान देखिए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है बीजेपी के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान के नाम दर्ज हो गया है सत्रह मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंद्रह साल ग्यारह दिन मुख्यमंत्री बनने का जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया है इस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है अब तक यह रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम था जो कि पंद्रह साल और दस दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शिवराज सिंह चौहान जो है सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे अगर देश के होंगे तो मध्य प्रदेश के भी होंगे ठीक है हरिशंकर परसाई का जन्म किस जिले में हुआ है यह आपसे पूछा गया तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक जिले में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ ठीक है इनकी प्रमुख रचनाएं भी हम आपको बता देंगे क्योंकि इनकी रचनाएं भी आगे आपसे पूछी जा सकती है देखिए तो हरिशंकर परसाई 22 अगस्त तो 1924 को मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के जमानी में पैदा हुए थे ठीक है तो होशंगाबाद जिले का नाम है और गांव का नाम है जमानी तो आपको याद रखना है हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ पर और कब हुआ था तो होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इनकी कुछ प्रमुख आप इनकी कहानियाँ देख लीजिए तो तट की खोज रानी नागफनी की कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है हरिशंकर परसाई जी की है रानी नागफनी की कहानी ठीक है ज्वाला और जल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती रहती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है तो ताप का ऐसा मात्रक मात्र कैलविन होता है जिसको हम के से दर्शाते हैं ठीक है चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं देखिए तो कैलविन एसआई प्रणाली जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं याद रखना एसआई को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं एसएससी सीजीएल मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था तापमान की मूल इकाई कैलविन है कैलविन इकाई का संक्षिप्त नाम के है यानी कि के से हम इसे दर्शाते हैं कैलविन को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है लाला लाजपत राय ने कौन सा नारा दिया गया था तो लाला लाजपत राय के द्वारा अंग्रेजों वापस जाओ यह नारा जो है दिया गया था देखिए तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी ने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया था और कमीशन का डट कर विरोध जताया था इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठी चार्ज किया पर लाला जी पर आज़ादी का जुनून सवार था लाला जी ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मेरे शरीर ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है याद रखना मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश शासन के साम्राज्य में कफन में कील बनेगी ठीक है ये पूछा जाता है कि ये वक्तव्य किसका है तो याद रखना है ये वक्तव्य लाला लाजपत राय जी का है यह आपको याद रखना है बाद में जो है इन्हीं का बदला जो है ऊधम सिंह के द्वारा लिया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन निकलता है यह प्रश्न पूछा गया है सही आंसर जगह चना और दालें इनकी जड़ों में नाइट्रोजन निकलता है मैथ के भी कुछ आपको आज चेंजमेंट देखने को मिला है। मैथ में इंग्लिश में और हिंदी में भी कुछ आज परिवर्तन देखने को मिला पैटर्न थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हो रहा है ठीक है देखिए तो कुछ पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजन के जो रूप है उसको भी बदल दिया जाता है इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं यानी कि चना और दालें ये ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों से जो है नाइट्रोजन निकलता है ठीक है किसकी मदद मतलब से निकलता है देखिए इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं आपको याद रखना है और राइबोजियम जो है राइबोजियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है यह प्रश्न आपके इसी फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो राइबोजियम के द्वारा जो है इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है यह आपको याद रखना है और चना और दालें दो ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ों से जो है नाइट्रोजन निकलता है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न विदेश में पहला टेस्ट शतक किस खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया था क्योंकि यह बहुत कई बार पूछा गया प्रश्न है आपके लिए महत्वपूर्ण है आइए देख लेते हैं देखिए तो सैयद मुश्ताक अली के द्वारा विदेश में पहला टेस्ट शतक लगाया गया था देखिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आक्रामक टेस्ट बल्लेबाज सैयद मुश्ताक अली का जो है इनका निधन हो गया था 2015 में 18 जून को इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया देखिए तो मुश्ताक अली ने विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने ठीक है तो विदेशों में सबसे पहला टेस्ट शतक किसने लगाया था तो सैयद मुश्ताक अली ने लगाया था ठीक है साल उन्नीस में उन्होंने यह कमाल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में किया था इंग्लैंड के विरुद्ध वाले मैच में इन्होंने जो है उन्नीस में यह टेस्ट शतक लगाया था भारतीय घरेलू टी ट्वेंटी सीरीज मुस्ताक, के नाम, ही मुस्ताक सीरीज तो सीरीज के नाम पर रखी गई है मुस्ताक अली टी ट्वेंटी के नाम पर रखी गई है ठीक है तो टेस्ट में पहला शतक किसने लगाया था सैयद मुस्ताक अली ने लगाया था ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न माउथ फ्रेशनर्स में किसका यूज किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है अब इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है पर माउथ फ्रेशन में क्या क्या मिलाया जाता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं देख लीजिए तो माउथ फ्रेशनर जिसे मुखवास भी कहते हैं विभिन्न किस्म है उनमें से ज्यादातर सौंफ तिल और नारियल का उपयोग करके बनाई जाती है इन चीजों तीन चीजों का उपयोग करके जो है ये बनाया जाता है एग्जैक्ट प्रश्न क्या था अगर आप किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आपका एग्जाम किस दिन किस किस शिफ्ट में है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है ठीक है और अपने प्रश्नों को जैसे आप

तीसवें क्रम का है कौन से खिलाड़ी हैं स्वस्ति सिंह है किस खेल से हैं साइकिलिस्ट से हैं ये तीनों चीजें आपको याद रखनी आगे पूछा जाएगा यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो यह पुरस्कार आई एम एफ आई एम एफ ए की धर्मार्थ शाखा इम्पैक्ट के द्वारा स्थापित किया गया इम्पैक्ट के द्वारा यह है जो पुरस्कार जो है वो दिया जाता है ठीक है चलिए ये प्रमुख प्रश्न थे साइंस और जीके की जो हमने आपको बता दिए अब यहाँ पर बात करते हैं हिंदी में आज क्या क्या पूछा है तो हिंदी में आपका सास का आपका तस्सम पूछा गया था कि सास का तत्सम क्या होता है ठीक है रस की परिभाषा पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी रस की परिभाषा है एग्जैक्ट परिभाषा कारक से एक प्रश्न आपका पूछा गया था एक प्रश्न आपका विलोम से पूछा था सबसे ज्यादा प्रश्न आज यहाँ पर वर्तनी शुद्धि के देखने को मिले हैं तो यही पैटर्न आपका हिंदी में चेंज हुआ है यानी कि वर्तनी शुद्धि के आपके चार से पांच प्रश्न आज देखने को मिले हैं एक प्रश्न आपका पर्यायवाची का एक अलंकार से था दो प्रश्न लोकोक्ति के और दो प्रश्न आपके उपसर्ग से उपसर्ग भी नया नया ऐड हुआ अभी तक प्रत्यय वगैरह का एकाध आद प्रश्न आ रहा था आज उपसर्ग के दो प्रश्न देखने को मिले हैं सबसे ज्यादा प्रश्न आपके वर्तनी शुद्धि के चार से पांच प्रश्न देखने को मिले हैं तो आप थोड़ा इसको पढ़ करके जाइएगा कुछ नियम क्या होते हैं वर्तनी शुद्धि के हिंदी में वो भी आपको देख लेना है लूसेंट में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी लूसेंट की हिंदी में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपके इडियम्स आज इडियम्स ऑफ फ्रीजेस से दो प्रश्न पूछे गए हैं एंटोनिम्स के तीन प्रश्न है लेकिन सिनोनिम्स आज सिर्फ एक ही पूछा गया है पी क्यू आर एस से फिर से यहाँ पर थोड़ा सा इनका मार्जिन बढ़ा है और चार प्रश्न आपके पी क्यू आर एस के पूछे गए हैं ठीक है थीके? तो आगे किसी भी सिप्ट में अगर आपका एग्जाम है तो हमारी पी क्यू आर एस वाली वीडियो देख लेना सर्च करना पी क्यू आर एस बाई सक्सेस जंक्शन तो वो ट्रिक वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी अभी तक लगभग उस पर पचहत्तर हज़ार के ऊपर व्यूज उस पर जा चुके हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देख करके जाना है आप आराम से चारों जो भी आपका पी क्यू आर एस आ रहा है इनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे ठीक है वैसे ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी इस वीडियो के अंत में हम यहाँ पर उस वीडियो को लगा देंगे तो आप यहाँ से आराम से उस वीडियो को क्लिक करके भी देख सकते हैं ठीक है चलिए एक्टिव कल शाम को नहीं आया था लेकिन आज सुबह अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मैथ में आज क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ है मैथ में क्या क्या पूछा गया है किस तरह के प्रश्न आज मैथ में देखने को मिले हैं तो चलिए देखते हैं देखिए मैथ में एक प्रश्न इस तरह का पूछा गया था एग्जैक्ट प्रश्न को नहीं आया था पर उन्होंने लिख करके भेजा दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल करके उनका अंतर पूछा गया था यानी कि दो संख्याओं का योग दिया था मान लीजिए ए प्लस बी दो संख्याएं जिनका योग सौ है उनका गुणनफल पचास है तो बताइए कि उनका अंतर क्या होगा यह आपसे पूछा गया था ठीक है उसके बाद टाइम एंड वर्क के चार से पांच प्रश्न पूछे गए थे और दो से तीन प्रश्न कुछ इस तरह के थे कि महिलाएं और पुरुष किसी काम को मिलकर के इतने दिन में करते हैं ठीक है थीके? और दो महिलाएं चार पुरुष के बराबर काम करती हैं तो बताइए अगर आठ महिलाएं इस काम को कितने दिन सेवाद करेंगी इस टाइप के दो से तीन प्रश्न देखने को मिले थे तो ये पैटर्न कुछ आपको चेंज देखने को मिल रहा है टाइम एंड वर्क के सवाल अब थोड़ा बढ़ करके आ रहे हैं ठीक है चलिए यहाँ पर एक प्रश्न और देखने को मिला है कि एक शहर की जनसंख्या उन्नीस में दी गई थी कि कुछ कुछ जनसंख्या मान लीजिए पांच हजार दी गई थी उन्नीस में और तीन साल बाद उसकी जनसंख्या पूछी गई थी यदि प्रतिशत वृद्धि दर जो है वो दस प्रतिशत हो तो ये तीन साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी यह आपसे पूछा गया था ठीक है चलिए मैंसुरेशन के तीन से चार प्रश्न आज आपको देखने को मिले हैं मैंसुरेशन के थ्री वाले प्रश्न आपको देखने को मिले हैं एडवांस में ठीक है नंबर सिस्टम के दो प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपके घात वाले प्रश्न होते हैं वो घात वाले प्रश्न आपके पूछे गए थे ठीक है यानी कि सर्ट्स एंड इंडासेस से आपके प्रश्न पूछे गए हैं आपके सिंप्लीफिकेशन में उसके बाद नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन से दो प्रश्न आपके पूछे गए हैं त्रिभुज का एक प्रश्न आपका पूछा गया है दो प्रश्न आपके परसेंटेज से पूछे गए हैं सिंपल लेवल के थे ट्रेन का एक प्रश्न पूछा गया है बीच की दूरी आपकी ट्रेन दो ट्रेनें चल रही थी या अलग अलग स्टेशन से चलना प्रारंभ

उसके बाद में सेवेंटी टू फिर सिक्सटी सेवन सिक्सटी फोर सिक्सटी वन ये टॉप फाइव स्कोर आज देखने को मिले हैं ठीक है थीके? चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी पी की तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन जो मेन टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको इस वीडियो की पी डी घंटे बाद आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है जो हमारा फ्री स्टडी मटेरियल वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें जैसे कि किरण की बहुत सारी किताबें आर एस अग्रवाल की किताबें इसके अलावा यादव सर की क्लास नोट्स वगैरह ठीक है और आदित्य रंजन सर का जो ब्रह्मास फॉर्मूला वो है उसकी पी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है इसके अलावा एस एस रैंक वन जो एस एस रैंक वन की एक जो पर हमको कुछ नोट्स मिल गए हैं जो उनके नोट्स हैं वो नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं साइंस के बायोलॉजी के फिजिक्स के केमिस्ट्री के तो ये नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं वो आप जाकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकिन ये सुविधा केवल केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है तो पहले आप सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद में आप जाकर के यहाँ पर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव तो इसी लोगों के साथ में ये वीडियो आपको दिख जाएगा ये आपका जो है टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा इसको आपको ज्वाइन कर लेना है और डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के सारी आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट में ठीक है ठीक है उसके बाद आप भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि आगे जो भी आपका एग्जाम आने वाला है जैसे फॉरेस्ट गार्ड पाँच हजार वैकेंसी सब ग्रुप फोर सब ग्रुप थ्री की वैकेंसी जो आ रही है इसके अलावा जो आपका ग्रुप फोर की जो वैकेंसी उसका भी एग्जाम एनालिसिस और एम पी पुलिस का भी एग्जाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलने वाला है ठीक है तो आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को सेवन जीरो फाइव टू फाइव फोर सेवन डबल जीरो थ्री इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर सेंड कर दीजिएगा जितने भी प्रश्न आपको याद रहते हैं ठीक है ना अपने नाम के साथ में सेंड कर देंगे तो आपका नाम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा तो जल्दी मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में एक बार फिर से राजीव तोमर और विशाखा शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है शाम वाली एग्जाम शिफ्ट में दो घंटे के भीतर आपके सामने एग्जाम एनालिसिस वीडियो आ जाएगी ठीक है मतलब जैसे ही एग्जाम खत्म होता है आपका साढ़े छः बजे तो साढ़े आठ के समथिंग आपके सामने वीडियो आ जाएगी थोड़ा सा आप इंतजार कर लेना ठीक है चलिए फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद